इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में रन कमांड के जरिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टाइप हियर टू सर्च में इंटर करना पड़ेगा रन। रन टाइप करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा रन, इसे आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है इसमें कंट्रोल प्रिंटर्स और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और कुछ सेकंड वेट करना है। आप देख सकते हैं कि डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स ओपन हो गया है विंडोज 10 लैपटॉप में। तो इस तरह आप रन कमांड के ज़रिए ओपन कर सकते हैं डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स।